कभी कभी तो वो ऑफिस रह नहीं जाता, खाली पॉलिटिक्स रह जाती है दोस्तों। मैं कुछ नहीं जानती, यू कैन गो। एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, आई नो मेरी है। आप हो? हाँ। अच्छा, आज कैसे पहचान गए? ये पहले मेरा तो वड्डी है ना, मैं छोटी है, फिर वड्डी है, फिर मेरी दादी है। हाँ जी, मेरी ये सास है। अभी दादी थी, अब कह रहा सास है। सास ही हुई ना, और बिस्तर में लेटी हुई है, दस रहना पड़ा। मैंने देखी हुई है, तो रहने दे। हाल चाल तो पूछ लो। हाल चाल तो पूछ लो। सॉरी बोल रही है, सॉरी बोलो। बड़ी उम्र थी बोलो। अरे मैंने बोलती बस रहना पिया, मैं सब जानती हूँ। क्या जानते हो? ये मेरी मासी है। ले दादी, सास ते तीजी मासी सारी ऐ मेरी मासी है, झूठ नहीं बोलदी। हुणे तुसी कहदे सास है। मैं झूठ पूछ लै, कह रही है दादी आ मैं। तू पूछ। हां जी, कौन हो? कौन हो? दादी भाई है। ते कासी भाई है। आई नो, मैं कुछ नहीं जानती, यू कैन गो। व्हाई डैडी? व्हाई डैडी? ओ हसदी भाई है। डैडी डैडी मतलब हसदी भाई है। अब तक हसदी भाई है। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਹ ਨੱਕ, ਆਹ ਹੱਥ, ਆਹ ਹੱਥ, ਆਹ ਹੱਥ, ਅੱਠ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਹ ਹੱਥ, ਆਹ ਹੱਥ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਜਾ, ਮਰ ਜਾ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਬਾਰਕਾ ਬਾਰਕਾ। ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਸਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ। आप यंग हो। पेड़ आते रखे हैं यहाँ। अच्छा, पेड़ पे। आगे। अंगूठी पाई है। उंगली बीच आ अंगूठी पाई है। तो सी भी पाई हुई है। हम मैं तो पहले ही पाई हुई है। जनता को पहले आप आते ही बता दो कि आप कितनी लेट आई हो। मैं लेट नहीं आई हूँ, एक्चुअली हर बार लेट होता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं बदला लूंगी। नहीं, बदला नहीं लूंगी, मुझे लगा तो एज यूजुअल लेट ही होगा। एज यूजुअल लेट होगा, बताइए दोस्तों। अरे तो अच्छा लग रहा है यार, लाइट कलर पहना है। थैंक यू सो मच। नई पगड़ी है। मुझे भी कुछ लाइट पहन के आना चाहिए आज। अच्छा, समर हो रहा है। समर्स, मैंने कहा ये अभी पहना जाएगा, बाद में पहना नहीं जाएगा, ठंड आने वाली है थोड़े टाइम में। तो अभी तो बाल बनाएगी गाड़ी पे बैठ के? नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बनाऊंगी, वहाँ जाके शूट कर दियो। ठीक है, ठीक है। ऑटो में उड़ जाते यार बाल सारे ना, बाहर निकल जाते हैं ऑटो से। हम चले, लेट जाएगा। अच्छा, लेट हो जाएगा। ठीक है, 10:30 से बैठा हूँ मैं गाड़ी में, टाइम दिखा लूँ। ये देखो 11:05 हो गए दोस्तों। हर बार मैं 10:30 आती हूँ और ये 11:30 देते। मैंने सोचा लेट ही भाई, मैं पूजा पूजा करती हूँ यार, चलते हैं ना। अब इसके लिए तो कैंग बोलेगा यार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ द वन एंड ओनली हु अल्फा से। दी अल्फा से। सो जी, वेलकम बैक है जी, एंड सब्सक्राइब करो।
प्लीज यार, प्लीज यार, गरीबा जी रिक्वेस्ट करो, अभी तो मेरा चैनल आएगा उसको अलग से सब्सक्राइब करना प्लीज। अब कंपटीशन करेंगे हम दोनों, कंपटीशन तो पहले मेरे को तो करना सब्सक्राइब, कुछ नंबर तो पहुंचा दो, ये तो एक दो दिन में ले जाएंगे सारे सब्सक्राइबर। और आज का ब्लॉग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गरिमा जी आपको पता है आज का एजेंडा क्या है। एक दिन हमने एक एजेंडा उठाया था सैलरी वाला, उसके व्यूज 50,000 पहुंच चुके हैं। सो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड वो व्लॉग ऐसा था जो इन्फॉर्मेशनल भी था, फन भी था, एंड सुबह शुरू हुआ था रात को खत्म हो गया। सो आज भी मैं कुछ इसी प्लान के साथ आया हूँ। एंड आज का एजेंडा वैसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बहुत स्पेसिफिक, बट मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसे एक दो एक्सपीरियंसेस हुए, एंड मैं श्योर हूँ कि आपके साथ भी, एंड बाकी जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनके साथ भी होता होगा। सो एजेंडा मतलब टॉपिक क्या है इस ब्लॉग का, वो है कि जो ऑफिस में पॉलिटिक्स खेली जाती है, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट वन। सो वो क्या खेली जाती है, क्यों खेली जाती है, उसको सर्वाइव कैसे करें, उससे आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस टाइप की मतलब इन जनरल होती है पॉलिटिक्स ऑफिसेज में। कभी कभी तो वो ऑफिस रह नहीं जाता, खाली पॉलिटिक्स रह जाती है दोस्तों, जो मैं बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा जान बूझ के कोई नहीं करता है, लेकिन इट्स लाइक जब भी आप उस लेवल पे पहुंचते हो तो आप अपनी पोजीशन को लेकर इतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो कि आप वो चीजें करने लगते हो जो आप करना नहीं चाहते। लाइक हम लोग अभी ऐसे बैठे हैं, मे बी हम भी उस लेवल पे जाएंगे कभी, हम आज ऐसे नहीं करेंगे किसी के साथ, बट कल को हो सकता है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी दोस्तों। आई विल बी ऑसम बॉस, ऑसम। मुझे जो लगता है जी, ऑफिस पॉलिटिक्स ना कोई जानबूझ के नहीं करता, जैसे गरिमा ने कहा, आप इस विशियस सर्कल का ना पार्ट जब बन जाते हो ना तो करनी पड़ती है, हो जाती है। मुझे लगता है एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है काम को लेके, हर बंदा अपना काम दूसरे पे डालना चाहता है, और अपना काम दूसरे पे डालने के बाद भी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मतलब आप अपने काम के खुद जिम्मेदार हो, आप अपनी प्रमोशन के खुद जिम्मेदार हो, एंड आप ऑफिस में सर्वाइवल के लिए खुद ही जिम्मेदार हो, कोई आपको हाथ पकड़ के आपका आगे नहीं लेके जाएगा। और ये हार्श रियलिटी है लाइफ की भी, कोई भी आपको हाथ पकड़ के आगे नहीं लेकर जाने वाला है। कभी कभी हम सोचते हैं जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आप अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, हमारे घर वालों के अलावा और कोई हमारा साथ नहीं देता, एंड घर वाले भी एक पॉइंट तक आपका साथ दे सकते हैं। अकेले आए थे जी, अकेले ही जाना है। सुबह सुबह दोपहर के 11:30 बजे इतना ज्ञान सेहत अच्छा के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, सुबह सुबह ऐसी बातें होनी चाहिए। सो वेरी गुड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हिंदी भी खराब है, इंग्लिश भी खराब है, पंजाबी भी। अच्छा, घटित की स्पेलिंग बताइए, अमन घटित की स्पेलिंग, GHATIT। हिंदी में घ तो? छोटी की मात्रा, छोटी की आती है, पक्का है? हाँ। अच्छा, एंड त चलो पास। एम इनिशियल बन गया गरिमा जी। हाँ, इंग्लिश मीडियम से बने हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी भूल गए, पंजाबी में भी बता सकते हैं हम आपको अगर आप चाहो तो, बट आपको पंजाबी नहीं आती होगी। मुझे उड़ के जाना है थाईलैंड। मेरे को ना जब तक मैं कोई जगह ढंग से वसूल ना लूँ ना तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे है कि थाईलैंड में घूमा ही अभी ढंग से, तो थाईलैंड इज जाना मस्ट, और सस्ती जगह भी है ऑब्वियसली। एंड बॉम्बे में वाइब थी इस बार, बॉम्बे की वाइब मुझे बहुत पसंद आई उस मौसम में ना, तो इसलिए मेरा वहाँ मन है। बॉम्बे इज एवरग्रीन, लेकिन मतलब बॉम्बे अच्छा है, मतलब अच्छा मुझे। बस थोड़ा सा ट्रैफिक तो है ही, ट्रैफिक तो दिल्ली में भी है। प्लानिंग हमेशा की तरह जब भी हम मिलते हैं करते हैं कि कहाँ जाए घूमने, और हम आज तो कहीं घूमने नहीं गए, कहीं नहीं गए दोस्तों सालों में, मुझे लगता भी नहीं। हम नौकरी छोड़ देंगे लेकिन हम घूमने नहीं जा पाएंगे। अभी सुमृति आएगी ना, वो भी बोलेगी हाँ इस सैटरडे संडे मिलते हैं। हाँ। हम कह रहे हैं हाँ मिलते हैं, सारे मिलते हैं, यस। फ्राइडे सैटरडे संडे निकल जाता है, कोई किसी का था पता नहीं कि कौन कहाँ है। अच्छा जी, हमने कुछ बात करी थी जब ऑफिस आए थे, नहीं ये भी पॉलिटिक्स है दोस्तों। जब तक ऑफिस में निभानी है, मन लगाना, देख लो देख लो देख लो देख लो, यही है पॉलिटिक्स, मैं आपको बता रहा हूँ। अमन अच्छा पॉलिटिक्स की स्पेलिंग तो बता दे। प हाँ? ओ की मात्रा ल। हाँ। ट नहीं, ल पे कौन सी मात्रा, ल पे आएगी नहीं मात्रा, टी में आएगी, ट में आएगी नहीं, ल पे आएगी, ल में छोटी की मात्रा, ल में छोटी की मात्रा, फिर ट में छोटी की मात्रा, क पॉलिटिक्स।
क छोटा आएगा, आधा वाला क, फिर स। अच्छा तो ल और ट दोनों पे छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा? पॉलिटिक्स, हाँ दोनों में छोटी आएगी। हाँ जी पॉलिटिक्स, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। सही बोला मैंने, इसको नहीं आती। हाँ आ रही है, इसको नहीं आती तभी मेरे से पूछ रही है सारी। झूठ मत बोल तू। मेरी भी बहुत अच्छी है इंग्लिश की भी, चाहे पूछ ले कोई भी। वो जो एक स्पेलिंग बी कंपटीशन होता ना इंडिया के भारत, जिसमें इंडिया के बच्चे जीतते हैं, मैंने स्टार्ट करवाया था। इस बात की इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया जी। बट टाइम बाद ऑफिस में पार्किंग मिली है। OMG तो हम इस विशेष सर्कल में फंसना नहीं चाहते, जैसे कि ये लड़की फंस चुकी है ऑलरेडी और ये भी फंसने की कगार में है। Let's go.